शारदा, रोज वैली और ऐसे पता नहीं कितने ही अनगिनत चीट फंड कंपनी है जिन्होंने पब्लिक का पैसा, जनता का मेहनत का पैसा लूटा है। और इसी चीज़ को आज आगे बढ़ाते हुए एक और कंपनी सामने आई है जिसको एनजीओ खुद को बता रहे हैं, और मुख्य आरोपी है एलिजाबेथ मुखर्जी, जिनको नादरामान भी कहा जाता है और लीजा भी कहा जाता है। फिलहाल हम हैं बेनियापुकुर थाना के सामने और पता करते हैं कि पूरा मामला है कैसा। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है 400 करोड़ रुपये का स्कैम है। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम समीदा खातून है। हुआ क्या है? हम लोग का रुपया लिए ही है, ठीक है, सब बहन का। हम लोग अढ़ाई लाख करके 9 लाख रुपया उसका पास है। क्यों दिया पंडा? हम लोग को बोला कि हम लोग का एनजीओ चल रहा है, आप लोग का इसका मिलेगा पैसा, प्रॉफिट आप लोग खाइएगा। गरीब आदमी के लिए एनजीओ खोला गया है। एनजीओ तो प्रॉफिट नहीं करते। अब वो तो बोली हम लोग को इसी तरीका से। अब इतना पैसा सिर्फ उसके बोलने पर लगा दी? उसका बोलने पर हम लोग हाथ से नहीं लगाया है, 50,000 करके लगाया था 3 साल आगे। और इसके बाद अभी जो फिलहाल पैसा लिए तो 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख करके हमारा 3-4 लाख, 5 लाख लिए। अभी कल का हम लोग का पूरा डेट दिए कल का, कल 15 तारीख को मिल जाएगा। सब महीना तारीख देती जा रही है 7 महीना से। आज कल बोली जो देंगे, कल नहीं दिए हम लोग, आज सुबह उसके घर में बुलाई, अभी आई तो फरार हो गई, ये भाग गई। क्या फायदा देती थी? कितना फायदा देती थी? ये जो पैसा दिया था इसका फायदा नहीं मिला। 50,000 में हम लोग को 20,000 करके, 50,000 में हम लोग को, और 5,000 करके मिलता था 45 दिन में। 45 दिन में 5,000 रुपए करके 50 में मिलता था। कितने लोग कितने आगे देती थी 50,000 करके, अभी दे रही है 3,000 करके। अभी 8 महीना से हम लोग का पैसा बंद कर दिए। आप लोग जैसे कितने लोग हैं? हम लोग कम से बहुत आदमी है भाई, इतना आदमी है जो बता नहीं सकेंगे, समझी? क्या हुआ, क्या था? वही धोखाधड़ी से हम लोग को जो पैसा निकलने वाला था वो क्या क्या शिफ्टिंग में डाल दिए। वो खुद की मेरी भुजाई है डोली, समझी? हम लोग को बोल के हम लोग का 7 महीना से पैसा एकदम नहीं मिल रहा है, समझी? हम लोग भी घर दरवाजा पैसा हम लोग लगा चुके हैं इसमें, समझी? बहुत परेशान है भाई। ये मेरी मम्मी का 11 लाख रुपया है, बहुत दिन से सबर करते हुए आई, अब सबर नहीं हो रहा है, घर में ताला मार दिया गया है, लेकिन हम लोग का साथ बहुत जुलूम हो रहा है। सब अभी लोन उठा के रखता है, सोना बंधक करके रख लेता है, तो ये गलत बात है ना। तो बस हम लोग को लीजा मैम को चाहिए, बस लीजा और डॉली। लीजा मैम को बोलना है कि हम लोग का जितना पैसा डूबा दे दिया, हम लोग बहुत गरीब आदमी का लगाए हुए पैसा 50 लाख रुपया, मेरा 20 लाख है, हम लोग लीडर है। उस टाइम में बोलती थी 15 तारीख को दे देंगे, 15 तारीख को दे देंगे, सारा आदमी हम लोग चुपचाप बैठे हुए, ऐसा गई कि सबका पूरा नींद चैन सब कुछ लेकर चली गई। आपके अंडर में औरतें थी? हाँ। कितने औरतें थी आपके अंडर में? 30-40 औरतें। 30-40 औरतें, सारी औरतें आपको पकड़ रही थी? हाँ, बोल रही है, हम लोग को बोल रही है कि आप लोग को देना होगा। हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग तो उसको दिए पैसा, लीजा मैं आपको, हम लोग तो अपने घर पे ना रखे पैसा, सबको सब कुछ मालूम है, मगर नहीं बोल रही है कि नहीं आप लोग दीजिएगा ला के, हम लोग कहाँ से देंगे, गरीब आदमी, हम लोग तो खुद गरीब है, तोपसिया में रहते हैं। आप कहाँ से हैं? हम मिश्री गली से। मिश्री गली से मेरा, हम डॉली जो है ना लीडर, उसका हम भगनी, अपनी भगनी है। आपका कितना पैसा? मेरा 20 लाख है। 20 लाख लगा हुआ है। अच्छा, आपको फायदा मिलता था, किस तरह से फायदा मिलता था? फायदा मिलता था मतलब मंथली मिलता था या साल में या 6 महीना में, ऐसा था। यही तो हम लोग लगाए थे, फायदा लिया ही कहाँ, फायदा तो लिया ही नहीं। कितना देती थी वो? मतलब 1 लाख है तो बोलती थी 2 लाख मिलेगा, 6 महीना में 2 लाख मिलेगा, 1 लाख देंगे 6 महीना में 2 लाख मिलेगा, 1 लाख इस तरह मिलेगा। और इसका बहन जो है सबो, इस सबसे बड़ा डेंजर थी, हम लोग जब मांगने जाते थे तब तब लड़ाई करती थी। अभी जब हम फोन किए हैं तो उसका भाई हमको गाली दिया है, गंदा, उसका नाम है सनी, रिकॉर्डिंग पूरा हमको गाली दिया है, मेरा पैसा भी लेकर है, चोरी भी और सीना चोरी भी, और इतना गंदा गाली बहुत गाली सुनाई है, रिकॉर्डिंग उसका सब बहन लोग वाला छोटा भाई सनी जो है बहुत गाली बक्का मेरा देवरानी को, बहुत गाली, गंदा गाली, माँ का बहन का गाली, माँ का बहन का गाली सुनेंगे, पैसे घर के माँ बहन का गाली सुनेंगे। मेरा 30 लाख रुपया है, 20 लाख रुपया है, खुद का मेरा घर बाड़ी बेच के हम लगाया है, आदमी को लालच देती है, लालच देख के बोलती है नहीं जानते हैं। लीडर डॉली 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 मेरा डॉली का भाई सनी, मैं का बंदा था, मेरा भतीजी का शादी है, डॉली बोली थी कि आज का दिन 15 अप्रैल को पैसा देंगे, डॉली जाके कहाँ छिप गया वो भी नहीं पता, फूल बगान में रहते हैं।
जब तक मेरा पैसा नहीं देगी ताला खोलेंगे नहीं, हमारा जान चला जाए हम जान दे देंगे। वो घर लिए बेटा, वो गाड़ी दिला रही है, लाख दो लाख का गाड़ी दिला रही है, बेटी को दिला रही है, बड़ा स्कूल में पढ़ा रही है, किसको पढ़ा रही है? हम लोग को जिसे चीट फंड का बिजनेस करके लीजा का डॉली 58 लाख रुपया का सीआईडी रोड में फ्लैट खरीदी अपना, और उसका भाई सनी का भी बहुत सारा प्रॉपर्टी फ्लैट ऐसे ही खरीदा है चीट फंड का बिजनेस करके। इसका जितना लीडर है सब लीडर चीट फंड करके प्रॉफिट कमा के बिजनेस कमा के पैसा खरीदा, बहुत प्रॉफिट खरीदा। हम लोग नए नए घुसते हैं, 6 महीना घुसते हैं, हम 28 लाख रुपया दे चुके हैं अब तक लीजा मैम को। हम लोग को लालच दिया गया था 3 महीना में आप लोग को 1 लाख का 1,60,000 मिलेगा, 1,70,000 मिलेगा। हम लोग पूरा पैसा लगा दिए अपना, लगाने के बाद अचानक जब आज हम लोग खबर लिए कि लीजा मैम भाग गई, लीजा मैम का कोई पता नहीं चला, हम लोग गरीब का पैसा डूब गया। तो आपने जैसा सुना कि इनका इल्ज़ाम है देही श्रीरामपुर रोड की रोड का ये एनजीओ सेव द वेयरफुट ने करीब 29,000 मेंटर अपने मेंबर्स से एसोसिएट मेंबर्स से तकरीबन 400 करोड़ रुपए का स्कैम किया है। इन्होंने एक मास पेटिशन किया है जो कि बेनियापुकुर थाना में गया है। आपको बता दें कि यहाँ लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, सब हम लोग जान देंगे इसका जिम्मेवार डॉली होगी, हम लोग का एक हफ्ता बाद शादी है घर में, डॉली को दिए हैं, हम लोग जान देंगे डॉली का कैसे क्या होगा, गरीब आदमी सब मर जाएगा, कैसे क्या होगा इसका रास्ता बताइए। हर आदमी बीवी बच्चा का पैसा दिया हुआ है, ठीक है, हर आदमी बीवी बच्चा का पैसा दिया हुआ, कैसे क्या होगा। लीडर लोग, हर लीडर जिसका खाने का पैसा नहीं था सब घर ले लिया, बड़ा बड़ा घर ले लिया, सब गरीब का पैसा था, गरीब क्या होगा, गरीब आदमी यही बताइए। कुछ पार्टी पड़ोसी वाला आदमी उसका साथ हो गया तो उसका बाप का तो जागीर नहीं होगी पैसा, पहले बात सुनिए, कुछ पार्टी पड़ोसी वाला आदमी साथ हो गया, ठीक है, 5 लाख 10 लाख बड़ा बड़ा स्कैम वाला बड़ा पार्टी का सपोर्ट है, कुछ होगा तो अंदर हमको प्रूफ तो नहीं कर सकता, मगर अंदरूनी तो कुछ होगा, मगर ये अलग कैसे क्या होगा सर बताइए, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, अगर इतना आदमी मर जाएगा तो क्या जवाब दीजिएगा। पॉलिटिकल सपोर्ट तो हो गई तभी तो वो भागी है, इतना सारा गरीब लोगों का पैसा बोलिए क्या करेगा गरीब लोग, सब तो रोड पे आ जाएगा ना अभी सर। तो आपने देखा कि यहाँ के लोग कितने हताश हैं, यहाँ लोग जान देने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि जान देने से कुछ नहीं होगा, फिलहाल पुलिस को अपना काम करने देना होगा और इनको सबर।